साथियों नमस्कार, कसम से भी स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आई टी डेली जॉब अपडेट पर। गाइस सबको पता है कि मैं हमारे चैनल पर हर रोज़ आई टी पास आउट छात्रों के लिए 2 से 3 वीडियो आई टी आई से निकलने वाली सभी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब वैकेंसीज की लेकर आता हूँ। उसी क्रम में आज हम बात करने वाले हैं ट्रेड्समैन की रिक्वायरमेंट जो आई टी आई पास आउट छात्रों के लिए निकाली गई है इंडियन नेवी ट्रेड्समैन की तरफ से। उसका शॉर्ट नोटिस कुछ दिन पहले जारी हुआ था जिस पर मैंने वीडियो बना दी थी। इसमें आई टी आई की पूरी टोटल 64 ट्रेड के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। यहां पर जो वैकेंसी निकल कर आई हैं वो 741 पद हैं, लेकिन उसमें आई टी आई की 161 पोस्टें हैं। ये भर्ती ऐसी भर्ती हैं जिसमें बहुत कम कट ऑफ पिछली वैकेंसीज में गई हैं और कई सारे छात्र आज हमारे चैनल से भी यहाँ पर जॉब कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाकर ज्वाइन करो ताकि आने वाली हर वैकेंसी की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकेगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी, जो NIST की तरफ से जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम कराए जाते हैं इस्पात मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से जो इनको आयोजित करती हैं, उसकी लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने की वो बढ़ा दी गई है। इस डेट को बढ़ा करके 15 अगस्त तक कर दिया है। इसमें कई तरह के कोर्स होते हैं जिसको 10th 12th BSc ITI डिप्लोमा BTech एंड ऑल अदर सभी क्वालिफिकेशन के छात्र कर सकते हैं। फीस बिल्कुल मिनिमम ₹125 जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फीस रखी गई है, जो कि बहुत ही कम है। आप एक बार रजिस्टर करके इसका जो फॉर्म होता है उसको जरूर से फिल कर दो और इसका एंट्रेंस एग्जाम तो कम से कम आप दो ही अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है, जिसके बाद कोर्स करने के बाद आप लोगों को यहाँ से 100% जॉब गारंटी दी जाती है। गाइस इसका नोटिफिकेशन देखते हैं, ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि NDT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी स्टील टेक्नोलॉजी के द्वारा करवाई जाती है। ये ऑर्गेनाइज कराया जाता है इस्पात मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से। जॉब ओरिएंटेड प्रोग्राम है, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। इसमें कई सारे अलग अलग तरीके के कोर्स होते हैं, लगभग 18 तरीके के कोर्स होते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, देखिएगा 18 तरह के अलग अलग कोर्स हैं जिसमें 10th ITI डिप्लोमा BSc BTech आपने जो भी किया हो सारे लोग कर सकते हैं। पहले कोर्स देखिएगा एडवांस सर्टिफिकेशन इन इंस्पेक्शन इंजीनियरिंग का है, जिसमें अलग अलग ड्यूरेशन के लिए हैं, 3 महीने से कोर्स शुरू होकर के 2 साल तक के कोर्सेज हैं। इन सारे कोर्सेज को करने के बाद आप लोगों को बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जैसे कि टाटा हो गया, रिलायंस हो गया, या आप लोग अगर आउट ऑफ कंट्री भी जाना चाहते हैं तो वहां पर इसके लिए यहां से जॉब मिल जाती है। अप्लाई करने के लिए NIST की ऑफिशियल जो वेबसाइट है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप लोग जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कुछ भी क्वेरी है, आपको कुछ भी पूछना है, तो दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। जो नंबर यहाँ पर दिए हुए हैं इन पर कॉल करके पूछ सकते हैं। बाकी आप लोगों को मैं इनका इंटरव्यू करके इनसे डायरेक्ट सर से बात करके भी बता दूंगा कि क्या ये कोर्सेज हैं और कैसे पहले जिन छात्रों ने कोर्स किया हुआ है वो छात्र अभी जॉब कर रहे हैं। तो चलिए देखिएगा इंडियन नेवी सिविल एंड एंट्रेंस टेस्ट जो रिक्वायरमेंट निकली है नेवी सिविल एंड स्टाफ के लिए, उसमें ITI ट्रेड्समैन की रिक्वायरमेंट है। इसके जो फॉर्म हैं आज से शुरू हो रहे हैं, अलग अलग पोस्ट पर अलग अलग रिक्वायरमेंट हैं। टोटल 741 पदों पर वैकेंसी निकल कर आई है। बात करें अगर हम ITI पास आउट छात्रों के लिए ट्रेड्समैन मेट की वैकेंसी है, जिसमें ग्रुप सी की वैकेंसी नौकरी आप लोगों की रहेगी। इसमें लेवल 1 की सैलरी ₹18,000 से ₹56,900 पर मंथ सैलरी आप लोगों को मिलने वाली है। वेस्टर्न नेवल कमांड, ईस्टर्न नेवल कमांड और साउथ नेवल कमांड की टोटल मिलाकर के 135, 15 और 11 टोटल मिलाकर 161 वैकेंसी ITI पास आउट छात्रों के लिए निकल कर आई हुई हैं सभी में। इसमें UR की 74 वैकेंसी, SC की 24, ST की 10, OBC की 39, EWS की 14 और टोटल 161 वैकेंसी निकल कर आई हैं ITI पास आउट छात्रों के लिए। इसमें सारी ट्रेड के छात्र एलिजिबल हैं। एक एक चीज़ मैंने पहले ही आप लोगों को सब कुछ बताती थी। इसमें ड्राफ्टमैन के लिए भी वैकेंसी हैं जिसमें ITI पास आउट छात्र एलिजिबल हैं। बात करें ट्रेड्समैन मेट की क्वालिफिकेशन की, तो ट्रेड्समैन की मेट की जो क्वालिफिकेशन है वो 10th प्लस ITI आप लोगों से मांगा है रिवेल एंड ट्रेड में। इसमें टोटल 64 ट्रेड की वैकेंसी हैं। लास्ट पेज पर सारी ट्रेड्स बताई हुई हैं। इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, कोई भी अप्रेंटिसशिप नहीं मांगी है। तो क्वालिफिकेशन हमने देख ली है, इसके बाद हम चलेंगे सीधे इसके एग्जामिनेशन पर। तो एग्ज़ाम जो रहेगा जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल अवेयरनेस के 25, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 25 और इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन। टोटल 100 क्वेश्चन, 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का समय है एग्ज़ाम करने के लिए। आगे चलते हैं, ट्रेड सारी नीचे दी गई हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके फॉर्म की। तो फॉर्म जो इसके स्टार्ट हो रहे हैं वो आज अभी से जस्ट इसका नोटिफिकेशन आया है और सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया हूं, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। फॉर्म जो शुरू हो गए हैं अभी जस्ट 20 जुलाई 2024 से शुरू हो गए हैं और 2 अगस्त तक फॉर्म चलने वाले हैं। देरी ना करते हुए अभी इसका फॉर्म फिल कर देना,
इसकी जो वेबसाइट है वहाँ पर जाकर, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, joinindiannavy.government.in पर जाकर के आप लोगों को फॉर्म को कम्प्लीटली फिल कर देना है। कैटेगरी वाइज अलग अलग फ़ीस आप लोगों की लगेगी, ज़्यादा फीस इस फॉर्म की नहीं रखी जाती हैं, वही 100 रुपये फीस रखी जाती हैं। बाकी आपको कुछ भी डाउट रहता है तो नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। या ITI की सारी ट्रेड्स हैं, 64 ट्रेड के साथ इसमें एलिजिबल हैं। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में एक नई जॉब अपडेट के साथ, तब तक लिपा पाए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आया है वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ जाकर ज्वाइन करो ताकि आने वाली हर वैकेंसी की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकेगी। बाय दोस्तों, लव यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।